तो बड़ा फाइल तो ढूंढने दे, फाइल कहाँ है? सारा समय क्या शायद पानी की थैली पड़ गई, जल्दी आ जाओ ना नीचे। हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम। तो एम्बुलेंस भी हो जाएगी। रचना दो मिनट शांत हो। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू गिद्दी मम्मी प्रैंक चैनल। और अब मेरा 7th month रनिंग है, तो टाइम आ गया है कि मालवीय जी पे किया जाए वाटर बैग लीक या ब्रोकन प्रैंक। कुछ लोगों को पता होगा प्रेगनेंसी में एंड मंथ में या लास्ट मोमेंट पे वाटर बैग लीक हो जाता है, फट जाता है पानी। तो मुझे नहीं पता मालवीय जी कैसे रिएक्ट करेंगे, नो आइडिया। बट थोड़ा बहराना है, मैं बहरा के देखूंगी, पगला के देखूंगी, तो फिर हो सकता है उससे मालवीय जी की, आप जानते हैं उसका, उनका नेचर कॉमेडी है, तो कॉमेडी तो होनी ही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो पर मुझे भरोसा है कि मालवीय जी की जो नौटंकी है ना, फालतू की जो दिमाग है ना उनका कॉमेडी वाला, वो निकल के पूरा बाहर आ जाएगा, पूरा का पूरा। वेट, बंदा अंदर है रूम बंद करके एडिटिंग कर रहा है। ये भगवान क्या जुलूम है, तू दो मिनट रुक, तू मैं कार गिरा दी लाओगे, कोई बात नहीं कर रहा अभी भी। तो अभी इतने जल्दी कैसे, 7 महीने में कैसे हो गया पता नहीं, कभी कभी हो जाता तो, बीच के समय तो आखिरी में हो रहा, 9 महीने में हो रहा, अब क्या करें। तू दो मिनट बैठ, अभी भी निकल रहा है, तू बैठ पाएगी क्या, बाथरूम जाना है क्या, आराम से आराम से, यार पानी लीक हो रहा है, क्या करूँ अब, फाइल निकाले चलते फिर। फाइल कहाँ रखी है, अंदर अलमारी में, ये नहीं नहीं अंदर वाली अलमारी में। अरे ये नहीं है यार, तुम भी लेट कर रहे हो, क्यों रे जान रहे हो, और निकल रहा है। तो बड़ा फाइल तो ढूंढने दे, फाइल कहाँ है, तो बड़ा फाइल तो ढूंढने दे, फाइल कहाँ है। रुक जा रुक जा, तो मैं चल रहा है ना, अपन डॉक्टर के पास चल रहे हैं। किसी को बुला लो यार, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, पानी बहता जा रहा है यार। पर्स कहाँ है, पर्स कहाँ, पर्स कहाँ, चल निकल वहां से, पैसा पैसा लग रहा है तो वहां जरूरत पड़ेगी ना बेटा, उठ जल्दी निकल। हो कैसे गए, फाइल कर रखी है बेटा, फाइल तो निकल, अपन कैसे जाएंगे उसके पास, डॉक्टर में क्या बोलेंगे। पर दर्द नहीं होता ना, मुझे दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, निकल तो जा रहा है। चल उसको छोड़ो, अभी डॉक्टर के पास चलते ना, जो अपन लेट हो जाएंगे। मैं चलूँ कैसे, तू चल रहा, तू निकल जा, तो मैं वो उठा नहीं सकता ना, एम्बुलेंस बुलाओ। अजीब सा हो रहा है, कैसे अजीब सा हो रहा है, तो क्या अजीब सा क्या हो रहा है रचना, आपको कुछ समझ नहीं आता तो तुमने क्यों बच्चा पैदा कर। अरे तो मुझे यहाँ कोई लड़ने की बात नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे तू भी ऑनेस्ट, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, डॉक्टर के पास चलना है, सिंपल सी बात है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, फाइल कहाँ रखी है, तुमको ये तक नहीं पता, तो मुझे लगा यही रखते फाइल अंदर है, अंदर अलमारी में यार। कौन सी अलमारी में, लकड़ी वाली में, मेरे कपड़े यहाँ रखे हैं, क्यों रे आ
चल 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 नीचे क्यों बैठ गई? जानू मैं नहीं चल पाऊंगी, तो एम्बुलेंस बुलाओ। डिलीवरी हो जाएगी। मेरे को अजीब सा लग रहा है, प्रेशर आ रहा है। पागल है क्या? जानू आपको ही करनी पड़ेगी। मैं बुला के ला रहा हूँ। कहाँ को लेके जानू? मैं क्या, तो मैं लेके सबको बुला के लाऊ ना? फोन कर दो मेरे पास तो रहो। बहुत तेज कैसे हो, मुझे दर्द हो रहा, तुम ऐसे कर रहे हो जानू, कितने गंदे हो। किसको बुलाऊं? बुलाऊं किसको? आरती को बुला लो। आरती का नंबर किस नाम से सेव है यार? आरती भाभी जानू आप ही को करनी पड़ेगी। थ्री क्या करनी पड़ेगी? दो मिनट क्या? थ्री इडियट देखी ना आपने? कुछ तो कर, बस हवा निकल गई। हेलो, हाँ भाभी, ये रचना का वो पानी निकल रहा है नीचे से। पानी निकल रहा है नीचे से? हाँ, वो सात महीने में शायद पानी की थैली पड़ी थी नीचे, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मैं एम्बुलेंस को भी बुलाता हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं ले जा पाएंगे, वो कह रहे कि वो रचना चल नहीं पाएगी। पहले गीत की समझ आप आ तो जाओ प्लीज, सही है, यही सब बात कर लेंगे क्या अपन? क्या फालतू बात करना पड़ेगा? आप करो, कुछ भी करो, आप तो करना ही पड़ेगा आपको। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी पता रचना। पैर निकल गया, रचना दो मिनट शांत हो, रचना दो मिनट शांत हो, ऐसा नहीं निकलता, ऐसा नहीं होता पेन निकलना। पर तुझे लग रहा होगा ये फेक, वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हो, फेक पेन। हंस क्यों रही है? हंस क्यों रही है? ये प्रैंक, ये प्रैंक। बस हवा निकल गई। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। हाँ भाभी। अरे नहीं, वो कुछ गलत पानी गिर गया था तो मुझे ऐसा। नहीं कुछ नहीं, मैं बाद में बताता हूँ। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम वॉलंटियर हो गया। अरे वो गधी प्रैंक कर रही थी। नहीं नहीं, कोई डरने की बात नहीं। दोस्तों पालवे जी बहरा रहे थे बहुत बुरी तरीके से, ये पीने कोई पानी ड्रिंक नहीं हुआ है और ना ही कोई पेन आ रहा है, पर आप कुछ कर गए। क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, हाथ सब खींचू एक ही बात। सातवें महीने में कैसे वाटर लीक हो? वाटर लीक होना मतलब सेवन मंथ में, मतलब कि सही नहीं है। गीत के समय नवा महीना लग गया था, 36 वीक हो गए थे, तब होना तो ठीक है, मतलब कि तब तो बच्चा आ नहीं होता। अभी सेवन मंथ में तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि सब कुछ सही नहीं है। तुझे कहते उठा के ले चलो, कैसे उठा के ले जाओ? पुराने जमाने में औरतों के हो जाती थी घर पे डिलीवरी, आप तल नाइन मंथ में होती होगी ना, सेवन मंथ में डिलीवरी थोड़ी होती है। क्यों, प्रीमेच्योर बच्चा नहीं होता? अरे वो हॉस्पिटल में होता है प्रीमेच्योर, यार कैसी बातें करती है, नहीं कर पाते आप। कंट्रोल कंट्रोल, ऐसे ब्रीच में रहता है बच्चा तो बाहर पाँव बाहर आ जाए। पाँव नहीं आते बाहर, कभी सर आता है क्या? गधी है क्या? पाँव बाहर आना क्या, उल्टा बच्चा पैदा होता है होता है, पर ऐसे नहीं आता है, इतनी जल्दी नहीं होता है, पेन तो घंटों का होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक हो? क्या जाके ना चाय बना, नाटक, भूख लग रही, मेरे को खाना देने तो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रैंक में माधव जी के रिएक्शन अच्छे लगे हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे आने वाले बच्चे के लिए हमारे लिए ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ लाइकिंग द वीडियो, लाइक करके।